लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कर्नल ने कहा गोली खाने के बाद भी डटा रहा शेर और आतंकियों को मार गिराया। 3 दिन बाद पहुंचा शहीद का पार्थिव देह। 3 माह की बेटी ने दी मुखाग्नि। शहीद की पार्थिव देह के गांव लड़ानिया पहुंचने पर सेना के जवान ट्रक से नीचे उतारते हुए। इस दौरान शहीद मुकुट बिहारी अमर रहे के नारे लगे। झालावाड़ राजस्थान। आर्मी कमांडो मुकुट बिहारी मीना की शहादत को सम्मान देने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। हरे की आंख नम थी। जयपुर से सड़क मार्ग से सेना के वाहन में शहीद की पार्थिव देह खानपुर में टोल नाके के पास आई तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा के नेतृत्व में लोग साथ हो गए। इनकी शहादत को देश भर ने सलाम किया। खानपुर क्षेत्र के छोटे से गांव लड़ानिया अब इसकी देश भर में पहचान बन चुकी है। यहां के सेना में कमांडो मुकुट बिहारी मीना सेना के सर्च ऑपरेशन में शहीद हुए हैं। इनकी शहादत को देश भर ने सलाम किया है। शहीद मुकुट बिहारी मीना की पार्थिव देह के साथ लड़ानिया आए उनकी रेजिमेंट 3 पैरा एसएफ के लेफ्टिनेंट कर्नल राजेश चौधरी ने बताया। कश्मीर में आतंकवादियों के सफाई के लिए सेना द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बुधवार को कुपवाड़ा के घने जंगलों में सेना को आतंकवादियों के छुपे होने की पुख्ता जानकारी मिली थी। आतंकवादियों से निपटने के लिए सेना की सर्च टीम में मुकुट बिहारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जब वो कुपवाड़ा के जंगल में आतंकवादियों की खोज कर रहे थे तभी सामने से आतंकवादियों ने उन पर फायर कर दिया जिससे वो घायल हो गए। घायल होने पर दहाड़ा सचे वीर की तरह घायल होने के बाद भी उन्होंने उन पर गोली चलाने वाले आतंकवादी को भी जवाबी फायर कर वहीं ढेर कर दिया। गुरुवार को आतंकवादी का वहीं पर मृत पाया जाना व उसके शरीर में पोस्टमार्टम के दौरान उनकी बंदूक की गोली का पाया जाना इस बात का प्रमाण है। खानपुर एवं बारा के आसपास के क्षेत्र के युवक राष्ट्रीय ध्वज के साथ शहीद की पार्थिव देह के आगे पीछे चल रहे थे। कुछ ऐसे युवक भी वहां मौजूद थे जो शहीद की अंतिम यात्रा में मुकुट बिहारी अमर रहे तेरा यह बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाते हुए चल रहे थे। घरों की छतों से महिलाएं व बच्चे शहीद की पार्थिव देह पर फूल बरसा रहे थे। जहां तक आंख देख सकती हो वहां तक लोगों का हुजूम था। हर आंख नम थी। गांव में 3 दिन से शोक। 3 दिन से पूरे गांव में शोकी लहर थी। लोग इंतजार करते करते थक गए थे। शनिवार को जैसे ही सेना के वाहन से तिरंगे में लपेट कर ताबूत में शहीद की पार्थिव देह उसके घर पहुंची। उनके पिता भाई बहन और पत्नी मिलक उठे। परिजन अपने वीर लाल को अब आखिरी बार देख रहे थे। शुक्रवार को भी गांव में जिले भर से लोग यहां मौजूद थे। शहीद मीणा को अंतिम विदाई देते समय उनकी पत्नी ने लगाया भारत माँ की जय का नारा। अब मुझे कौन संभालेगा। पिता शहीद के पिता जगन्नाथ मीणा को भी अपने बेटे की इस शहादत पर फख्र है। वे एक ही बात कह रहे हैं कि अब मुझे कौन संभालेगा। उन्होंने कहा कि अब देश और सेना से आशा है कि पूरी तरह से परिवार का साथ दें। उन्होंने बताया कि मुकुट बिहारी में बचपन से ही देश की रक्षा करने का सपना था। उसकी देशभक्ति को देखते हुए इजाजत दे दी। शहीद की पै के भाई भीम सिंह ने बताया कि गर्व है कि देश की रक्षा के लिए वे शहीद हुए हैं। हम आपके साथ। सेना अंत्येष्टि के बाद सेना के अधिकारी और जवान शहीद के घर पहुंचे। यहां शहीद के बेटे और सेना की डायरी शहीद के पिता और परिजनों को सौंपी। उन्होंने शहीद के पिता से कहा कि पूरी सेना अब आपका परिवार है। आपने एक वीर सुपुत्र खोया है लेकिन सेना के जवान अब आपके बेटे हैं। पत्नी हो गई बेसुध। शहीद मुकुट बिहारी के 3 माह की बेटी का आरूटा हाथ भी मुखाग्नि में लगवाया गया। उसी समय शहीद की पत्नी सदमे से बेसुध हो गई। पत्नी अंजना मीना की सदमे से शुक्रवार से ही तबीयत खराब चल रही है। लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे तो अंजना ने भी अंतिम विदाई के समय देशभक्ति दिखाई और नारा लगाया। तिरंगा देखती रही शहीद की बेटी जिस तिरंगे में शहीद को लपेट कर लाए थे। मुखाग्नि के समय उसको खोला गया। ऐसे में शहीद की 3 माह की बेटी आरू उसको एक कटक देखते रही। शहीद के पिता भी तिरंगे को देखकर बिलख उठे। शहीद के भाई शंभू दयाल मीना भी सदमे में रहे। घर पर ताबूत पर शहीद की पत्नी अंजना मीणा लिपट गई।
सरकार के प्रतिनिधि खाद्य मंत्री बाबूलाल वर्मा ने कहा कि लडानिया गांव के अमर शहीद मुकुट बिहारी मीना की शहादत को हमेशा याद रखेंगे। जिस तिरंगे में पिता काये लपेट कर लाए, पुत्री उसे निहारती रही। शहीद हुए कमांडो मुकुट बिहारी मीना के अंतिम संस्कार के दौरान लोग जय हिंद के नारे लगा रहे थे तो उनकी बेसुध पत्नी ने भी हाथ उठा लिया। सेना के अधिकारियों ने भी शहीद मुकुट बिहारी मीणा को अंतिम सलामी दी। शहीद मुकुट बिहारी मीणा को अंतिम संस्कार में उमड़े हजारों लोग। झालावाड़ शहीद के अंतिम संस्कार में उमड़े लोग। शहीद के शव को गांव में लाते हुए गांव के लोग, सेना के जवान व अन्य।